प्लेयर भी बन चुका है, अब बहुत प्लेयर बन चुका था, इसमें पेंट वगैरह हुआ है और अभी बहुत पेंट बाकी है, बोले तो पूरा जगह में पेंट होगा। नवादा काफ़ी चेंज होने वाला है, काम हो ही गया है, लगभग हो ही गया है और जनखारी गर्भला तरफी पेट वगैरह का हो ही रहा है। चलिए आपको मैं इंतजार कर चुका वगैरह दिखाता हूँ और वहाँ इंजॉय करिएगा और वहाँ तक कहाँ तक कम्प्लीट हुआ है नहीं हुआ है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में थोड़ा बने रखिएगा, मत करिएगा, थोड़ा सा जाकर का पेट्रोल पंप जो कैंसान नगर का है और हम एंट्री कर रहे हैं बाईपास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर चला गया है सफाना चौक, पटना, बख्तियारपुर इधर चला गया है और आज की पहला जो रास्ता है उधर से मुड़ जाऊंगा मैं। तो ये देखिए दुधैली का फ्लाईओवर का काम यहाँ तक हुआ है, बोले तो जोरों शोरों से काम चल रहा है इधर। ये देखिए दुधैली का फ्लाईओवर जो कि पहला फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट हुआ है दुधैली का, और मैं इस तरफ चला जाऊंगा। इधर देखिए दुधैली और ये दुधैली का फ्लाईओवर और खास में जा रहा हूँ निंदारगंज, और बोले तो इस टाइप का रोड आप देख रहे हो पहले ऐसा नहीं था, बोले तो देखिए गिट्टी वगैरह बिछा दिया है। चलो अब गाड़ी धीरे धीरे लेके जाएंगे और निंदारगंज का पुल कहाँ तक बना है तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, और अभी फ़िलहाल के लिए इस रोड में मत आइएगा, आगे से चला जाइएगा बड़े वाला रोड से, आप कल्टी मार लीजिएगा उधर से, इधर अभी मत मारिएगा क्योंकि आपको भी गाड़ी धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ दुधैली का दुधैली फ्लाईओवर, तो दिखा दिया हूँ मैं सड़ है, तो निंदारगंज का पुल दिखाता हूँ आपको। तो चलिए तो गिट्टी वाला रोड हम पार कर चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ बड़े वाला जो रोड है किधर से आपको आना है। बहुत लोग को ये रोड के बारे में भी पता नहीं है कि इस रोड से भी रास्ता है, इस तरफ से जाते हैं इधर गोविंदपुर वगैरह भी पड़ जाता है, पड़ता क्या है गोविंदपुर वगैरह जाता ही है इधर से, झारखंड वगैरह जा सकते हो आप इस साइड से, इस रोड से आप इधर काफ़ी मतलब छोटा छोटा कुलकी है, मतलब इतना चौड़ा रोड है कि आप इधर से जा सकते हो। और उस साइड देखिए मेन बाईपास रोड है वो जो कि रजौली जाता है, और इस सेट से आप ककोलत वगैरह भी जा सकते हो, और अगर बोले तो अगर ककोलत आप जा सकते हो इधर से तो बहुत शॉर्ट पड़ता है, और फतेहपुर अकबरपुर फतेहपुर मोड़ से भी जो कि अकबरपुर होते हुए जाता है ककोलत, उस सेट से भी रास्ता है गोविंदपुर का, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखिए लोकेशन जो कि बरो का जो है यहाँ से टर्निंग हो जाता है, और इधर मंदिर वगैरह है, और इधर ही यही रास्ता है जो कि बरौज से आप इधर एंट्री कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है रास्ता। ये देखिए तो इधर से गोविंदपुर ककोलत झारखंड बोलो तो जा सकते हो आप लोग इस साइड से भी, और फतेहपुर मोड़ से अकबरपुर तरफ से आप भी जा सकते हो। तो चलिए आपको निंदारगंज का पुल दिखाता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं निंदारगंज का रोड पकड़ लिए हैं, और
पकड़ तो लिए बहुत पहले से। तो दम फुल स्पीड से तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे बांस लगा दिया जाता है कि आप इधर से नहीं जा सकते हो। तो फाइनली बोलो तो लगभग बोलो तो पूरा काम हो चुका है। तो पास जाके दिखा रहता हूँ मैं आपको, आपको दूर से तो दिख ही रहा होगा, तब भी चलो बस थोड़ा कुछ और काम बाकी है। बीच का जो है ढलाई नहीं हुआ है, और पहला सेट और दूसरा सेट का जो है पहला एंट्री इस सेट से और दूसरा एंट्री जो नवादा तरफ से आते हैं उस सेट का प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, सिर्फ बीच का बाकी है, दिख ही रहा होगा आपको। तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। खास यही वीडियो बनाने के लिए आया था मैं कि आप लोग को दिखा दूं। लोग पूछ रहे थे कि भाई निमनारगंज का पुल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है कम्प्लीट, पानी वगैरह आ गया। हम बोले तो रोड एकदम कचड़ा हो चुका है यार, पानी वगैरह आ गया रोड पे, क्योंकि बरसात नहीं है, लग रहा कि टंकी वगैरह जो मोटर भर जाता होगा ना, पानी आ जाता इधर से जा रहा, पास हो रहा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से कंप्लीट हुआ है। इस सेट से अब मैं मुड़ जाऊँगा तो दिखाऊँगा मैं आपको कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए मिट्टी है, रोकना गाली भी, ये देखिए मिट्टी है, तो मैं जाकर दिखाता हूँ आपको, रोको ना भाई मिनट। तो पूरा मिट्टी वगैरह इधर बंद कर दिया गया क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं जा पाए। तो जाके देखता हूँ मैं कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है निमनारगंज का पुल। तो ये देखिए अभी फिलहाल के लिए जो है बहुत प्रोजेक्ट बाकी है यार, तुरंत हो जाएगा। तो ये देखिए निमनारगंज का पुल ये लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नीचे जाता हूँ मैं और रास्ता दे दिया गया फिलहाल से, ये देखिए पानी वगैरह जाने का। तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखिए निमनारगंज का पुल बस फर्स्ट एंट्री और उधर एंट्री जो है हो चुका है, और बीच का कुछ बाकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और ये है जाने का रास्ता जो किधर से अभी जा सकते हो, तो इस पर मैं फील करूँगा खड़ा होके। तो मैं आ चुका हूँ इस पर और यहाँ से जा रहा है पानी, और बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा ये, और लोग आना शुरू कर देंगे। अभी देखिए अभी मतलब बीच उछ रहा है, छड़ वगैरह सब कुछ बीच रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और बोले तो क्या,
बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो कब तक कंप्लीट होगा ये भैया, आपको कुछ है उम्मीद? मार्च तक बोले हैं कि मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कब से शुरू हुआ था भाजन? जनवरी शुरू हुआ था 2020 से। और बोले तो एक साल वजूद भी 2 महीना और लगा दे रहे हैं, है ना? बोले तो मार्च से इंशाल्लाह रहमान स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मार्च से पूल स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि भाजन बोले हैं। मुझे तो पता नहीं था इसलिए भाजन से पूछ लिया। तो हो जाएगा मार्च में कंप्लीट। अच्छा, तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वो निंदारगंज का फैलाव भर का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें और बाकी सबको बता दें कि निंदारगंज का पुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि ये मार्च में कंप्लीट होएगा। फ्लाई ओवर का काम जो हो रहा है ये मार्च में ज़रूर हो जाएगा, मार्च में बोले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।